लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम चरण में है और इस बार जो लड़ाई हुई वो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरा अरविंद केजरीवाल मेरे साथ हैं। अरविंद जी, टीवी9 भारत से आपका स्वागत है। सर, स्वास्थ्य कैसा आपका, ये पूछना चाहूँगा मैं। स्वास्थ्य अच्छा है और जब मैं जेल में था तब 7 किलो वजन कम हो गया जेल के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली जेल से बाहर आने के बाद भी वजन कम ही हो रहा है ठीक होने के बजाय, तो वो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो होता है वो थोड़ा खतरनाक होता है, तो उसी को लेके थोड़ी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट से सर आप 7 दिन की राहत चाहते थे लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ, तो फिर अब आपको जेल जाना ही पड़ेगा। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। 2 तारीख को मुझे सरेंडर करना है और 2 तारीख को मैं सरेंडर करूँगा, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि जेल क्यों भेजा जा रहा है। जी, ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। इन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, कहाँ गया वो 100 करोड़? भाई हवा में तो गायब नहीं हो गया, कहीं तो रखा होगा केजरीवाल ने, कोई बैंक में रखा होगा, लॉकर में रखा होगा, किसी अकाउंट में होगा, कोई ज्वेलरी ली होगी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कोई खर्चा किया होगा। इन्होंने 500 जगह रेड मार ली, कुछ नहीं मिला। मजे की बात यह, अभी 3-4 दिन पहले एक टीवी चैनल में इंटरव्यू में मोदी जी से पूछा गया, अभी केजरीवाल कह रहा है आपको कोई सबूत नहीं मिला, आपको कोई रिकवरी नहीं हुई, तो फिर आपने केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया हुआ है? पूरे देश के सामने मोदी जी ने कबूल किया कि हाँ, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। पूरे देश के सामने उन्होंने कबूल किया उनके पास कोई सबूत नहीं, जबकि किसी अदालत ने कोई चोर बोला नहीं, किसी अदालत ने चोर बोला नहीं, किसी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया, और कोई सबूत नहीं है, तो जबरदस्ती फर्जी मामला है। गंदी राजनीति के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? चुनाव डिक्लेयर होने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया ताकि केजरीवाल प्रचार ना कर सके। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जा केजरीवाल, जाके अच्छे से प्रचार कर, और मैं प्रचार करने आ गया। पर जब आप जेल से बाहर आए तो आपने कहा कि मोदी जी तय करते हैं कि कौन अंदर रहेगा कौन बाहर रहेगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि आप देश के संविधान और कानून को पढ़ लीजिए। जब अभी मनीष जी और सतेंद्र जी जेल में हैं, उनके पास कोई मैसेज लेके गया बीजेपी में आ जाओ तो आपकी बेल करवा देंगे, कौन करवा देगा, कैसे करवा देगा, किससे करवा देगा, इसी में सारे जवाब हैं आपके। पर आपको तो ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला? नहीं, मेरे को ऐसा ऑफर नहीं मिला। अब जब आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह के पंजाब के लोगों को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 जून के बाद जो आपकी पंजाब की सरकार है वो गिरा देंगे, ये बात 4 जून के बाद की बात बोल रहे हैं, 2 जून को आपको सरेंडर करना है, इतना बड़ा अगर संकट आने वाला है तो उसके लिए कुछ आप प्लान रेडी करके जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप जेल में होंगे? ऊपर वाला साथ है हमारे, हम छोटे से थे, दिल्ली की गलियों में एनजीओ चलाया करता था मैं, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी बनाऊंगा। भगवान ने मुख्यमंत्री बना दिया, फिर भगवान ने दूसरा राज्य भी दे दिया। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। अमित शाह जी अभी 3 दिन पहले लुधियाना आए, और लुधियाना में उन्होंने खुलेआम पंजाब के लोगों को धमकी दी, 3 करोड़ पंजाबियों को, कि पंजाबियों तुमने जो सरकार चुनी है आम आदमी पार्टी की, 4 जून के बाद उस सरकार को बर्खास्त कर दूंगा और तुम्हारे मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। कैसे हटा देंगे, गजब है, गजब की गुंडागर्दी है। 117 में से 92 MLA हैं हमारे, ED भेज के तोड़ेंगे, CBI से तोड़ेंगे, पैसे देंगे, खरीदेंगे, क्या करेंगे? इन्होंने, इनके खून मुंह लग गया है। इतनी सरकारें गिरा दी, इतने MLA खरीद लिए, इतने MLA तोड़ दिए, पार्टियां तोड़ दी, अब ये कहीं भी जाके खुले हम धमकियां दे रहे हैं। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ, पंजाबी बहुत बड़े दिल के होते हैं, प्यार से मांगते अमित शाह जी, पंजाबी भी आपको 1-2 सीट दे देते हैं। अब जब आपने धमकी दी है तो 1 जून को पंजाबी सारे मिलके 3 करोड़ पंजाबी आपको इस धमकी का अच्छा जवाब देंगे। मैं आपके रोड शोज कवर कर रहा था, हर जगह कह रहे थे कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई
ओबीसी आरक्षण खत्म कर देंगे, एससीएसटी के लिए आरक्षण खत्म कर देंगे, इसका आधार क्या है? ये बयान, ये लोग कह रहे हैं हमें 400 पार चाहिए, 400 पार चाहिए। किस लिए चाहिए? 300 से भी काम चल जाता है, 400 पार क्यों चाहिए? तो इनसे पूछा तो बोले जी मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। पूछा क्या काम करना चाहते हैं, तो पता चला कि इन्होंने रिजर्वेशन खत्म करने का प्लान बनाया हुआ है, एससी एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करना। वो कह रहे हम नहीं करेंगे ऐसा। उन अब जब पकड़े गए, चोर पकड़ा गया, तो अब वो अपनी चोरी छिपाने के लिए कह रहे हैं। इसकी शुरुआत पिछले चुनाव के पहले हो गई थी, जब इन्होंने ईडब्ल्यूएस के जरिए रिजर्वेशन शुरू किया था, वो बढ़ा के, और ये एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। सर ये बताइए, 1 जून को बैठक बुलाई गई है, शायद इसलिए समय रखा इंडिया के, क्योंकि आपको 2 तारीख को सरेंडर करना है, तो उसका चर्चा का विषय क्या होगा, क्या इंटेक्ट करके आप भी शामिल? मुझे भी मुझे लगता है कि शायद स्ट्रेटजी वगैरह कुछ बनाएंगे, लेकिन अभी मुझे ज़्यादा एजेंडा नहीं पता, मैं चुनाव उसमें व्यस्त था, मैंने ज़्यादा पूछा नहीं है। सर आखिरी आपसे पूछूंगा, आपका आकलन क्या है, क्योंकि आप लिख के देते हो, केवल सटीक भी बैठता है, कितना इंडिया लाइंस को और कितना बीजेपी को? पेन आपके पास है, पेपर में आपको दे रहा हूं। मैं अभी उसके पहले बताना चाह रहा हूं जी, मैं पूरे देश भर में घूमा हूं जी, लोग महंगाई से और बेरोजगारी से बहुत त्रस्त हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा, हर चीज के दाम बढ़ गए, और घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। लोग अपने प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद से देखते हैं कि प्रधानमंत्री हमें समाधान देंगे जी, लेकिन जब लोग टीवी खोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी गाली देते हुए मिलते हैं। एक भाषण में प्रधानमंत्री बोले, इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो अगर आपकी 2 भैंस है तो 1 भैंस खोल के ले जाएंगे। ये क्या है, कहाँ से आया? टोंटे की बात भी नहीं। एक भाषण में कहते हैं, अगर इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारे घर की टूटी खोल के ले जाएंगे। एक भाषण में कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारे मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। बॉम्बे जाके कहते हैं कि शरद पवार भटकती आत्मा है, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। लोगों को लगता है यार हम इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, महंगाई से इतने परेशान हो गए, तो गाली गलौज कर रहे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ये तो बिल्कुल कटे हुए हैं, इनको कुछ मतलब, इनके पास कोई समाधान ही नहीं है हमारी समस्याओं की, चिंता ही नहीं है इनको। तो लोग बहुत नाराज हैं, और आजकल तो इनके अहंकार की सारी सीमाएं क्रॉस कर गई हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मोदी जी ने कहना चालू कर दिया है अपने इंटरव्यूज में कि मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, मैंने इस पृथ्वी पे मैं प्रकट हुआ हूँ। मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, किस किस को लगता है कि मोदी जी भगवान है? मैं रामचंद्र जी की पूजा करता हूँ, मैं कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ, मोदी जी भगवान कब से हो गए? और मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूँ, आरएसएस जवाब दे कि क्या आरएसएस भी मोदी जी को भगवान मानता है? इसको देख के जनता में बहुत गुस्सा है, और जनता इस बार इनको मजा चखाएगी। तो मैं बताइए सर, इनकी 200 से कम सीट आएंगी बीजेपी की जी, और इंडिया गठबंधन की 300 क्रॉस करेगी। बिल्कुल, सब समय देने के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की 200 से नीचे रहेगी और इंडिया गठबंधन की 300 यानी कि सरकार बन रही है। बिल्कुल, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम ये कामना करेंगे। तो ये दावा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, आखिर ये कितना सटीक बैठता है पता लगेगा 4 जून को। अपने सहयोगी चेतन के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने बात।